टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। शहर के छतारी पुलिस ने घुमंतू जाति के एक ऐसे राजस्थानी गिरोह की 9 महिलाओं को 6 बच्चों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जो गिरोह नशीला पदार्थ देकर पहले गौवंशों को बेहोश कर देता था और फिर जंगल में जाकर गौकशी की घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने इन महिलाओं से 90 गौवंश भी बरामद किए हैं। दरअसल ये घुमंतू जाति का ये गिरोह अपनी गायों को लेकर शहर दर शहर, गांव दर गांव घूमता था। इस दौरान ये गिरोह आवारा गौवंशों को अपनी पशुओं में मिला लेता था। पुलिस का दावा है कि गिरोह अपने साथ नशीला पदार्थ भी रखता था, जिसे जरूरत पड़ने पर ये आटे में मिलाकर गौवंशों को खिला देता था और जंगल में जाकर गौकशी की वारदात को अंजाम देकर घुमंतू दूसरे। देखिए, दिनांक 23/24 की रात में आहार थाना क्षेत्र में 4 गायों की हत्या करके और गोमांश वहां से उठा करके ले जाया गया था। इस घटना के एक दिन पश्चात ही थाना जवा अलीगढ़ में भी इसी तरह की एक घटना घटित हुई। इन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ये टास्क दिया गया कि इन घटनाओं का अनावरण करें। दोनों घटनाओं के संबंध में टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठे किए गए और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि ये कुछ घुमंतू जाति के लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं और हापुड़ का एक गैंग है जो इस मीट को ले जा करके बेच रहा है। कल रात में छतारी थाना क्षेत्र में इसमें जब लोकेशन मिला तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची और करीब 90 गाय लेकर के ये थे और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये आटे में नशीला पदार्थ खिला करके गायों को खिला देते थे और खिलाने के पश्चात गाय जब बेहोश हो जाती थी तो उनकी हत्या करके और गोमांश को ले जा करके हापुड़ के एक गैंग के माध्यम से दिल्ली में भेज देते थे। 90 गायें बरामद हुई हैं और 9 महिलाएं जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं। इनके कब्जे से करीब 200 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है जो आटे में मिला करके गायों को खिला देते थे। चाकू बरामद हुआ है, रस्से आदि बरामद हुए हैं। 5 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं जिनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको भी ट्रेस कर लिया गया है और लगातार हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। आशा है कि उनको अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, प्रयास जारी है और गोकशी के अपराधों को रोकने के लिए इस तरह की मॉडल्स ऑपरेंडी पहली बार प्रकाश में आई है और इस तरह की घटना पहली बार हम लोगों ने अनावरण। हाँ, इस तरह की घटना हुई है और लेकिन हम लोगों ने प्रभावशाली कार्यवाही करते हुए इनको गिरफ्तार किया है और आगे भी जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो इसके बारे में साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, जानकारी की जा रही है, लेकिन एक विशेष प्रकार से ये अपराध घटित किया जा रहा था। गाय को चराने के लिए घुमंतू जाति के लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं वो आते हैं, गायों को चराते हैं और उन्हीं गायों में से जहाँ 90-90, 100-100 गाय हैं, 5-5, 7-7 गाय गायब करते रहते हैं, उनकी हत्या करके गोमांस बेच देते हैं। ये एक नए तरह का इन लोगों ने एक अपराध कारित करने का तरीका ढूंढा है, इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक अनावरित किया है और आगे भी चूंकि इस तरह के घटना के अनावरण से गोकशी को रोकने में मदद मिले। पुलिस की माने तो अभी 2 ही दिन पहले इस गिरोह ने बुलंदशहर जनपद से सटे अलीगढ़ के जवा इलाके में भी एक बड़ी गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था। अलीगढ़ में हुई गौकशी की बड़ी वारदात के बाद से ही बुलंदशहर एसएसपी ने पुलिस स्पेशल टीम को इनकी गिरफ्तारी का टास्क दिया था। रविवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में राजस्थानी घुमंतू महिला और पुरुष अपने गौवंशों को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और आवारा गायों को पकड़कर अपने गौवंशों में मिला रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसमें गिरोह सदस्य ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गौकशों के डेरा में रह रही सीता, मवी, कमला, नीता, संतोषी समेत 9 महिलाओं को 6 बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई सभी महिलाएं अलवर राजस्थान की हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह हापुड़ के मीट व्यापारियों के साथ गौमांस को दिल्ली में ले जाकर बेचने का काम करते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों को
सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, जबकि पुलिस गिरोह के सरगना और फरार सदस्यों और हापुड़ के नेक्सस की तलाश में जुट गई है। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।